नमस्कार, मैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय लाइव हिंदुस्तान के ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम लोग 25 फरवरी 2023 की ग्रह स्थिति देखते हैं। चंद्रमा और राहु का ग्रहण योग बना हुआ है मेष राशि में, मंगल वृषभ राशि में, केतु तुला राशि में, बुध मकर राशि में, सूर्य और शनि कुंभ राशि में, गुरु और शुक्र मीन राशि में गोचर में चल रहे हैं। राशियों पे क्या प्रभाव डालेंगे ये देखते हैं। मेष राशि, मन खिन रहेगा, नकारात्मक ऊर्जा के शिकार होंगे, किसी भी परिस्थिति में असमंजस की स्थिति बनी रहेगी। प्रेम संतान की स्थिति अच्छी है, व्यापार भी आपका अच्छा चलता रहेगा। काली वस्तु का दान करें। वृषभ राशि, अज्ञात भय सताएगा, पार्टनरशिप में थोड़ी प्रॉब्लम के संकेत है, मन व्याकुल रहेगा, स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम संतान की स्थिति लगभग ठीक है, व्यापार भी आपका अच्छा चलता रहे। लाल वस्तु का दान करें। मिथुन राशि, मन हां से ज्यादा ना में रहेगा, किसी भी कार्य को जो करने का आपका तरीका होगा वो थोड़ा नकारात्मक होगा। प्रेम संतान मध्यम है, व्यापार भी मध्यम दिख रहा है, स्वास्थ्य पे ध्यान दें, हरी वस्तु पास रखें। कर्क राशि, व्यापारिक घाटा का संकेत दिख रहा है, कोर्ट कचहरी में हार दिख रहा है, उच्च अधिकारियों की गाज गिर सकती है, स्वास्थ्य भी मध्यम है, प्रेम संतान की स्थिति अच्छी है, व्यापार मध्यम। काली वस्तु का दान करें। सिंह राशि, यात्रा से बचें, अभी कष्टप्रद हो सकता है, कार्यों में विफलता मिलेगी, पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, स्वास्थ्य प्रेम व्यापार मध्यम दिख रहा है, काली वस्तु का दान करें। कन्या राशि, चोट चपेट लग सकता है, किसी परेशानी में पड़ सकते हैं, परिस्थितियां प्रतिकूल है, बहुत बच के बात करें। स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम संतान लगभग ठीक है, व्यापार ठीक है। लाल वस्तु का दान करें। तुला राशि, जीवन साथी के साथ पे और स्वास्थ्य पे दोनों पे ध्यान दें। नौकरी चाकरी की स्थिति नकारात्मक दिख रही है, स्वास्थ्य मध्यम क्योंकि उदर रोग से परेशान रहेंगे, प्रेम संतान ठीक है, व्यापारिक दृष्टिकोण से मध्यम समय। लाल वस्तु का दान करें। वृश्चिक राशि, शत्रु उपद्रव संभव है लेकिन शत्रु शमन भी संभव है, स्वास्थ्य मध्यम रहेगा, प्रेम संतान ठीक है, व्यापार भी लगभग ठीक रहेगा। काली वस्तु का दान करें। धनु राशि, बच्चों के सेहत पे ध्यान दें, मानसिक स्थिति थोड़ी गड़बड़ रहेगी, प्रेम में तू तू मैं, संतान की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, व्यापार लगभग ठीक चलेगा। हनुमान जी को प्रणाम करते रहे। मकर राशि, घर में कलहकारी सृष्टि का सृजन होगा, घरेलू सुख बाधित रहेगा, भूमि भवन वाहन की खरीदारी में खलल पड़ेगी, स्वास्थ्य मध्यम, रक्तचाप अनियमित हो सकता है, प्रेम संतान ठीक है, व्यापार भी लगभग ठीक रहेगा। बजरंगबली को प्रणाम करते रहे। कुंभ राशि, रोजी रोजगार में थोड़ी सी असमंजस की स्थिति रहेगी, व्यापारिक बाधाएं रहेंगी, नाक कान गला की परेशानी हो सकती है, प्रेम संतान ठीक है, हरी वस्तु पास रखें। मीन राशि, मुख रोग के शिकार हो सकते हैं, गंदी भाषा के प्रयोग से बचें, प्रेम में तू तू मैं, बच्चों के सेहत को लेकर के मन परेशान रहेगा, धन का आवक रुकेगा, एक मध्यम समय का निर्माण हो रहा है। काली वस्तु का दान करते रहें। नमस्कार।